टीवी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। शेखपुरा में लोजपा का 20वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। आज शेखपुरा नगर में स्थित लोजपा कार्यालय शौकत अली में लोजपा का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस स्थापना दिवस में लोजपा के युवा नेता शेखपुरा लोजपा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली के नेतृत्व में किया गया। सर्वप्रथम इमाम गजाली ने स्वर्गीय राम विलास पासवान के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और उसके बाद 2 मिनट का मौन रखा। इस स्थापना दिवस में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इमाम गजाली पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि माननीय स्वर्गीय राम विलास पासवान जी का आज रहते तो कुछ अलग ही अंदाज में धूमधाम से मनाया जाता, लेकिन वे नहीं हैं। हम लोग पार्टी की मजबूती के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। शेखपुरा से अरविंद कुमार आनंद की रिपोर्ट। पूरा जिला में धूमधाम से मना रही है, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन पार्टी ने एक नुकसान एक क्षति जो हुई है, हमारे अभिभावक हमारे पिता तुल आदरणीय राम विलास पासवान साहब आज इस दुनिया में नहीं रहे। आज उनके बिना ये 20वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। मुझे याद है कि बाबू सभागार में 19वां स्थापना दिवस हुआ था। क्या चहल पहल थी, क्या रौनक थी उनके रहने से, उनकी आमदी हम लोग पार्टी की एक मजबूती थी। खैर, उन्होंने अपना एक चिराग छोड़ रखा है और वो चिराग पासवान ने आज पूरी दुनिया में डंका बजा रखा है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का सिपाही, मैं वादा करता हूँ इस और मैं तहैया करता हूँ, मैं मुकम्मल यकीन दिलाता हूँ लोक जनशक्ति पार्टी को 20वां स्थापना दिवस पर इमाम गजाली लोजपा के झंडा में था, है और जिंदगी भर रहेगा। और लोक जनशक्ति पार्टी को हम इस ऊंचाई तक पहुँचाएंगे कि उन्हें इस आने वाले विधानसभा के अंदर इंशाअल्लाह शेखपुरा में लोक जनशक्ति पार्टी का विधायक नजर आएगा। ये मेरा सारे कार्यकर्ताओं से मेरी है कि देखिए, चुनाव आता है और चुनाव जाता है, चुनाव में हार जीत सबकी होती है, लेकिन जिसने वोट दिया वो भी मेरा अपना है, जिसने नहीं दिया वो भी मेरा अपना है। मैं चाहूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी शेखपुरा विधानसभा शेखपुरा ज़िला में हर वक्त तैयार रहेगी, हर क्षण तैयार रहेगी, और ख़ास के हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़े भाई, हमारे अल्पसंख्यक भाई के तहफ़ुज़ के लिए, उनकी खुशी के लिए लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा तैयार रहेगी। और हमारे रामविलास पासवान साहब का सपना है, हम उसको साकार हम लोग मिलकर करेंगे, ये हमारा संकल्प है 20वां स्थापना दिवस में। और आदरणीय चिराग पासवान साहब को हम लोग का संकल्प है इस कि उनको हम एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और ये जरूर होगा। क्या संगठन मजबूत हमारा है, लेकिन होता क्या है कि आज जिस अफवाह का बाजार गर्म किया गया इस इलेक्शन के अंदर, NRC का अफवाह का बाजार गर्म किया गया, खास कर हमारे मुसलमान भाइयों को जो सजबाग दिखाया गया और उस सजबाग दिखा करके उनका जो वोट लिया गया धोखा से, और वो वोट मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ।